हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। सो स्टूडेंट, हमने हार्मोन्स के बारे में 6 कैटेगरीज पढ़ी थी। सो उसमें पहली कैटेगरी क्या थी? स्टेरॉयड। और स्टेरॉयड को भी 6 कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स, अमीन्स हो गया, प्रोटीन हार्मोन्स हो गया, इन कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। उनके एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सो आज उनका जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो किसके बिहाफ पर किया जा रहा है? इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बिहाफ पे, ठीक है, या मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पे जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन फंक्शन आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। ये जो इनके मैकेनिज्म के बिहाफ पर इनको क्लासिफाई किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, हार्मोन्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप हैं? वन कौन सा है? ग्रुप फर्स्ट हार्मोन और ग्रुप सेकंड हार्मोन। सो ग्रुप फर्स्ट हार्मोन क्या होता है कि इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो थोड़ी सी डिफर होती है, ठीक है। कैसे ये मैकेनिज्म अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? तो दीज आर ग्रुप ऑफ लिपोफिलिक हार्मोन्स। ये कैसे होते हैं? ये लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। लिपोफिलिक आप समझते होंगे, लिपो का मतलब कुछ ऑयली, ठीक है, ऑयल को बोलते हैं लिपोफिलिक, ठीक है। तो ये लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं दैट आर यूजली डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो इनका कहाँ से, इनका डिराइव कहाँ से हो रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल होता कैसा है? मेनली ऑयली नेचर का होता है, ठीक है, लिपोफिलिक होता है, तो इसीलिए इनको लिपोफिलिक हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रुप वन हार्मोन की बात हो रही है। दिस हार्मोन यूजली बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, देयर बाय फॉर्मिंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये हार्मोन कैसे अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? ये पहले जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनके पहले भी जो चैप्टर्स थे उनमें हम इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो इंट्रासेलुलर में बता देता हूँ कि इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या जो आयंस होते हैं या जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोल रहे हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब इनसाइड और एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो हैं उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रासेलुलर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो सेल का इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ये हार्मोन्स पहले जाकर बाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओके। दे आर मोस्टली फाउंड इन जनरल सर्कुलेशन इन एसोसिएशन विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ज़्यादातर जनरल सर्कुलेशन जो होती हैं उसमें ये आसानी से फाउंड होते हैं, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई ग्लैंड है और उसमें डिफ्यूजन के थ्रू बाहर, उस ग्लैंड के बाहर क्या जुड़ी हुई है? ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल कह लीजिए, जो ब्लड के सबसे टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं ब्लड कैपिलरीज, जिसके अंदर से ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वो उसके बाहर एपिथेलियल टिश्यू के बाहर वाली लेयर के साथ अटैच होती है ब्लड वेसल, ठीक है। तो हार्मोन बन कहाँ पर रहते? ये ग्लैंड्स के अंदर साइड में, इंट्रासेलुलर वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हार्मोन जब बन रहे हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल में आकर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोल रहा है कि जितने भी ये जनरल सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है, उनमें ये आसानी से मिल जाते हैं इन एसोसिएशन विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किस में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑब्वियस ही बात है, ब्लड के साथ ही। ब्लड में भी कई सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जैसे प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी तरह से इन हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड वेसल के थ्रू। हाउएवर दे हैव रिलेटिवली लॉन्गर हाफ लाइफ्स इन आवर्स और डेज। तो इनकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ये कितने दिनों तक एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी घंटों तक हो सकती है या फिर दिनों तक हो सकती है, ठीक है। तो ये इनका स्पेसिफिक फीचर होता है। एग्जाम्पल इनके क्या है? एग्जाम्पल ऑफ दिस हार्मोन्स आर T3, T4, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। T3, T4 आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये T3, T4 जो है ये थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं, और थायराइड ग्लैंड जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो उसमें इन T3 और T4 को और डीपर वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स के स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं।
ठीक है। तो ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं ग्रुप सेकंड हार्मोन्स की। तो इनको क्यों अलग कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि इनका जो फंक्शन प्रोवाइड करने का तरीका है, ठीक है, वो अलग है। फर्स्ट वाले में क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप हार्मोन में क्या था कि वो क्या कर रहे थे कि एक हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। कौन सा कॉम्प्लेक्स था, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स, मतलब जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टार थे सेल के अंदर, मतलब इनसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन जो रिसेप्टार्स थे उनके साथ मिलकर एक हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और फर्दर जो है फिर अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहे थे ब्लड वेसल के अंदर, या जैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसी के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट होकर टारगेट टिश्यूज तक पहुंच रहे थे ग्रुप वन वाले, और अपना फंक्शन दे रहे थे। अब ग्रुप सेकंड में क्या है, इनकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। दीज आर हार्मोन दैट बाइंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रहा है तो इसमें आपको समझने वाली बात ये है स्टूडेंट कि ये उसमें क्या हो रहा था, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ एक बाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आउटर पोर्शन की बात हो रही, सेल के आउटर पोर्शन पर ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर के ही तो बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो रिसेप्टार्स हैं उनके साथ बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टार या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टार भी उनको बोलते हैं, तो उनके साथ ये ग्रुप सेकेंड जो हार्मोन्स हैं ये बाइंड हो रहे हैं, और बिफोर दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल नोन एज सेकेंड मैसेंजर। अब ये क्या कर रहे हैं, बाइंड होने के बाद ये एक मॉलिक्यूल मतलब एक कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, उसके कई सारे मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं और क्या कहला रहे हैं, सेकेंड मैसेंजर। अभी इन्होंने अपना फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया है, जो स्पेसिफिक फंक्शन इनको देना था वो नहीं प्रोवाइड किया है, तो एक अभी इन्होंने ये बाइंड किया है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टार या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टार के साथ बाइंड किया है, और स्टिमुलेशन मतलब एक्टिव फॉर्म में आने से पहले क्या कर रहे हैं, कई सारे सर्टेन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उन रिसेप्टार्स के साथ बाइंड होकर क्या बना रहे हैं, सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, उनको हम सेकेंड मैसेंजर के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। ग्रुप सेकेंड आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है। अब ये जो ग्रुप सेकेंड हार्मोन्स हैं इनको तीन कैटेगरीज सब कैटेगराइज किया गया है, तीन कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सेकेंड मैसेंजर। जो सेकेंड मैसेंजर मतलब जो मॉलिक्यूल है, एक स्पेसिफिक सा है, जो एक सब्सटेंस है जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है जिसे हम सेकेंड मैसेंजर बोल रहे हैं, तो उसके केमिकल नेचर के बिहाव पे इनको तीन फर्दर कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी, कैम्प, ठीक है। कैंप क्या होता है इसके बारे में हम फर्दर आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो कैंप के कुछ स्पेसिफिक से हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम होता है ACTH, FSH, LH। इन सबके ये फुल नेम क्या होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सेकेंड कौन सी सब कैटेगरी है, फॉस्फोलिपिड, इसमें कौन सा आ रहा है, TRH, GnRH, गैस्ट्रिन, ठीक है। और लास्ट कौन सी कैटेगरी है, अननोन, अननोन में क्या आ रहा है, इंसुलिन, STH, LTH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इस तरह से इनको सब डिवाइडेड किया गया है तीन अलग कैटेगरीज में, ठीक है। दीज हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन फ्री फॉर्म एंड दे यूजली पोजेस शॉर्ट हाफ लाइफ। अब ग्रुप फर्स्ट वाले में क्या था कि जो उनकी हाफ लाइफ थी वो काफ़ी घंटों तक के लिए थी, मतलब वो काफ़ी घंटों तक अपना एक्शन दे सकते हैं, या फिर टारगेट सेल पर जो भी वो बाइंडिंग उनकी थी, जो एक स्पेसिफिक सा फंक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, वो काफ़ी घंटों के लिए भी हो सकता है, कई कई बार काफ़ी दिनों तक के लिए अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज, ये एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये खुद कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वही परफॉर्म करेंगे, बस ये क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो उनका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा था ग्रुप फर्स्ट वाले हार्मोन्स का, और इनका क्या होता है, कंपेरेटिवली शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मतलब ये इनकी हाफ लाइफ कितनी देर के लिए होगी, कई फ्यू मिनट्स के लिए हो सकती है या फिर कई बार फ्यू सेकेंड्स के लिए हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, यही इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि मैकेनिज्म में कौन कौन से होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट हार्मोन का मैकेनिज्म हमने देखा और ग्रुप सेकंड हार्मोन का मैकेनिज्म हमने देखा, दोनों में अंतर क्या था, एक की ज़्यादा लॉन्गर हाफ लाइफ थी और दूसरे की शॉर्ट हाफ लाइफ थी, ठीक है। तो ये इनके बीच में एक मेजर अंतर था, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहे हैं ये भी हमने जाना। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सो नाउ
थैंक यू।